हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू इलाज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे फटी हड्डी की दरारें भरने वाला घरेलू नुस्खा। इस नुस्खे का प्रयोग करके आप जो अपने फटी हड्डी की दरारें को भर सकते हैं। दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हो चुके हैं। ठंड के मौसम में एड़ियां फटना आम बात है और इसके मुख्य कारण दोस्तों हमारी स्किन में नमी की कमी। जी हाँ, हमारी स्किन में जैसी नमी की कमी आने लगती है तो हमारे जो एड़ियां फटने लगती हैं, दरार करने लगती हैं और यह समस्या सबसे ज़्यादा उन लोगों में होती है जिनके जैसे कि पसीने नहीं निकलते। तो आज की वीडियो में बताएंगे अगर आप नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो आपके फटी हड्डी की दरारें भर जाएंगी। तो चलिए जानते हैं नुस्खे हमें किस तरह से तैयार करनी है। दोस्तों, नुस्खे बनाने के लिए इसमें हमें सबसे पहले चीज लेनी है, वह है दोस्तों ग्लिसरीन। यानी कि दोस्तों आपको कुछ इस साइज का ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन क्या होता है? हमारी स्किन में नमी की कमी को पूरा करने का काम करता है, नमी बरकरार रखता है। तो दोस्तों इस नुस्खे को किस तरह से बनानी है, बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखिए तब समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस नुस्खे में हमें ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन लगभग एक चम्मच की मात्रा में लेनी है। इस तरह से एक चम्मच आप जो है ग्लिसरीन ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों इस नुस्खे में हमें अब दूसरी चीज ऐड करनी दोस्तों, वो है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। यानी दोस्तों आपको लेना है कोलगेट। ये इस तरह से आप देख सकते हैं टूथपेस्ट। दिनचर्या में आप जो भी पेस्ट इस्तेमाल करते हो ना ब्रश करने के लिए, वो आप ले सकते हो, बट ध्यान रहे कि वो व्हाइट कलर की होना चाहिए। तो कम से कम आपको इतनी मात्रा में ये चीज ले लेनी है इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों इस नुस्खे में हमें तीसरा चीज ऐड करनी है, वह है दोस्तों कॉस्टर ऑयल। यानी कि आपको लेना है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल हमारी स्किन में नमी को पूरा करने का काम करता है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपको कम से कम ये लेनी है एक चम्मच की मात्रा में, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा होता है, हमारी स्किन में जा करके फटी हड्डी की दरारे को भरने का काम करता है। इसके बाद इन तीनों को आपको मिक्स कर लेनी है इस तरह से। दोस्तों अब हमारे यहाँ नुस्खा लेयर की तरह इस तरह से गाढ़े बन करके तैयार है। अब इसका प्रयोग आपको किस तरह से करने में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। इसका प्रयोग करने के लिए नॉर्मल आप इस तरह से इसे हाथों पे रखिए और जहां पे आपके फटी एड़ियां हैं या आपकी स्किन फटते हैं तो रात में सोने से पहले ये नुस्खे आपको लगानी है। बिल्कुल ही दोस्तों आप देखेंगे तीन दिनों के भीतर में अगर आपके फटी हुई एड़ी की समस्या से परेशान है तो एड़िया को भर देंगे। अगर आपकी स्किन फटती है तो स्किन पे लगा सकते हैं। जो आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे होते ना, थोड़ा देरी से काम करते हैं लेकिन ये अच्छी तरह से काम करते हैं, अच्छी परफॉर्म करते हैं और जड़ से काट करने का काम करते हैं। तो अगर आप भी फटी एड़ी की दरारें भरना चाहते हैं तो ये घरेलू नुस्खे एक बार करके देखिए, इसमें आपको 100% लाभ ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे छोटी सी जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर की। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।